हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कजरी तीज पर महिलाओं एवं युवतियों ने रखा व्रत। दिन भर बिना पानी पिए व्रत करने के बाद शाम को की तीज माता की पूजा। चांद निकलने पर पति की पूजा कर खोला व्रत। पूजा में कजरी माता से की पति की लंबी उम्र की कामना। शहर भर में महिलाओं एवं युवतियों द्वारा कजरी तीज यानी सातोड़ी तीज मनाई गई। महिलाओं द्वारा व्रत रखकर शाम को पूजा करते हुए तीज माता से अपनी पति की लंबी उम्र और परिवार में सुख शांति की कामना की। चांद निकलने के साथ ही महिलाओं ने चांद को अर्घ देते हुए उसकी पूजा करने के साथ ही अपने पति को तिलक लगाते हुए पूजा की और पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा लिया। दिन भर शहर भर में इस व्रत को लेकर महिलाओं एवं युवतियों में खुशी का माहौल देखा गया। महिलाओं ने हाथों में मेहंदी सजाई। मान्यताओं के अनुसार सावन और भाद्र पक्ष के महीने में महिला द्वारा तीन तरह की तीज मनाई जाती है। इसमें हरियाली तीज, कजरी तीज और हस्त पालिका तीज होती है। विवाह के पहले साल के लिए ये व्रत बहुत ही अहम माना जाता है। शादी के पहले साल में घर की बहू के पीहर वालों की ओर से ससुराल वालों के लिए कपड़े और सत्तू के बने हुए लड्डू लाए जाते हैं और वो रिश्तेदारों में बांटकर पुष्प कमाया जाता है। कजरी तीज का व्रत घर में सुख शांति शौर्य पति की लंबी उम्र सुख समृद्धि धन धान्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से प्रतिवर्ष किया जाता है। कजरी तीज की कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव के विवाह के लिए कठोर तपस्या के फल स्वरूप माँ पार्वती ने शिव को प्राप्त किया था और इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों की ही पूजा की जाती है। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।